दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और इसको देखने के बाद कंप्लीट जान जाएंगे कि कोयला कैसे निकाला जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जमीन में बॉम्ब लगा के बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, पथरीली जमीन जो है वो ढीली हो जाती है। ढीली होने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि ऊपरी जो परत जो ढीली हो गई है उसको इस मशीन से इसको निकाल लिया जाता है। निकाल लेने के बाद अगर कोयला ऊपर पाया गया तो ऊपर हम इसकी माइनिंग करके कोल को निकाल लेते हैं, यानी कोयला को निकाल लेते हैं। माइनिंग का पूरा रहस्य आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर ऊपर कोयला निकल गया तो ऊपर कोयला निकाल के और इसको मशीनों के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और बहुत सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उस इक्विपमेंट्स के द्वारा हम कोल को निकाल के लोड कर लेते हैं मशीनों पे, या हम लोड कर लेते हैं ट्रेनों पे, उसको लोड करके उसके बाद हम पावर प्लांट में इसको भेजते हैं। कोयला को ब्लैक डायमंड बोला जाता है और कोयले से ही डायमंड भी बनता है। और माइनिंग क्या होती है, अगर ऊपर नहीं निकली तो सुरंग बना के हमें नीचे जाना होता है, और नीचे जाके आप देख सकते हैं कि आदमी भर घुसने का जगह रहता है, लेकिन उसमें कोयला लाने के लिए एक रेलवे ट्रैक जैसे बनाई जाती है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ कि रेलवे ट्रैक बिछा के और इस जो गुफा है, जो आप गुफा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन्युअली टोकरी से ढोना कोयला बहुत ही समय लग सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सुरंग बनाते हैं और सुरंग बनाने के बाद इसमें रेलवे ट्रैक टाइप को क्या बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आदमी भी अंदर घुस जाता है और मटेरियल भी वहाँ से वापस आसानी से आ जाती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जहाँ पे एक रेलवे ट्रैक जैसे बिछी हुई है और यहाँ से एक ट्रॉली निकल रही है। इस ट्रॉली मशीन से खींच लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें देखिए बोरे में भर के कोयला बाहर आ जाता है और इंसान को जाने का भी रास्ता बहुत ही आसानी से अंदर जा सकता है। तो माइनिंग दो टाइप्स के होती है, एक तो अंडरग्राउंड में बिल्कुल अंदर जाके माइनिंग होती है, एक ऊपर ऊपर माइनिंग होती है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी धरती के ऊपरी परत में। तो धरती के ऊपरी परत को ओपन माइनिंग बोलते हैं और जो अंदर सुरंग टाइप के जाता है उसको डीप माइनिंग बोलते हैं। तो ज्यादातर अपने देश में ओपन माइनिंग ही किया जाता है, क्योंकि डीप माइनिंग में सेफ्टी का खतरा रहता है और फंस जाता है। आए दिन बारिश होती है या कुछ धरती भी हिल जाती है, या लोड के वजह से, या स्लाइडिंग, जैसे धरती तो हमेशा घूमती रहती है, कुछ कंपन हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या होता है, फंस जाता है, जिससे बहुत लोगों को जान जाती है और कोयला निकलना बंद हो जाता है। तो इसलिए, और कोयले के डस्ट ना उड़े इसलिए आप देख सकते हैं पानी का ये स्प्रिंकल दिया जाता है, पानी का छिड़काव होता है, कि पानी के छिड़काव होने के बाद कोयला जो है वो उड़ता नहीं है। नहीं तो आप देख सकते हैं अपने शहर में, गली मोहल्ले में, आसपास में जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, धूल कितना उड़ता है। तो धूल को सप्रेस करना है, धूल को बंद करना है, तो पानी का छिड़काव किया जाता है। आगे आपको और भी दिखाऊंगा इक्विपमेंट जिससे पानी का छिड़काव बहुत आसानी से हो जाता है। और इस इक्विपमेंट देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टैकर और रिक्लेमर। इससे क्या होता है कि कोल को कटिंग करके हम कन्वेयर पर लोड कर देते हैं, और कन्वेयर पर लोड करने के बाद हम लोग ट्रकों में भर सकते हैं, ट्रेन में भर सकते हैं, या और भी कोई लोडिंग करने वाला जो कैरियर है उसमें भर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट होता है। और ये देख सकते हैं क्लोज लुक है कोयले का, जिससे आपको पता चल जाए कि कोयले का जो खदान है इस टाइप के होता है। अपने देश में ज़्यादातर जो कोयला निकलता है वो आपके झारखंड में है, उड़ीसा में है, इसके अलावा आपके कुछ पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ है, यूपी के हैं, और कुछ मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ पे कोयला खदान ज़्यादा है। बाकी और भी बहुत सारे राज्यों में कहीं छोटे छोटे ड्रिलिंग करके पाया गया है कि कोयला वहाँ भी निकलता है। कुछ कोयले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कुछ कोयले बहुत ही ख़राब होते हैं। तो अच्छा क्वालिटी का जो, जिसमें कोल का कंटेंट अच्छा होता है, वहाँ पे उस कोल का बिजली बनाया जाता है, बहुत सारे उपयोग में लाई जाती है, यानी 80-90% जो बिजली बनती है, जो कोयला का कंजप्शन वो बिजली में ही है, और 70% जो अपने कोयलरी में जो कोयला हो वो बिजली उत्पादन के लिए ही यूज़ होता है। यानी बिजली जो बनती है उसका 70% कोयला से ही बनाया जाता है, और रेलवे के द्वारा उस कोल को ट्रांसपोर्ट करके माइनिंग से लेके आपके बिजली विद्युत घर तक पहुंचाया जाता है। फिर बिजली बनती है और बिजली बन के आपके घर तक पहुंचती है, जिससे आप मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, जिससे आप टीवी देखते हैं, जिससे आजकल आने वाले समय में कार भी चलेगा बैटरी से, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे आने वाले समय में कार भी चलेगा आपके बिजली से। तो ये ओपन कोल माइनिंग आप देख सकते हैं कि कोयला के कट करके एक लोडर पर लोड करके और सड़कों से ले जाके शहर कहीं दूर ले जाके इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ से ट्रेन से भी वहाँ से लिया जाता है। तो ये बॉटम और टॉप आप देख सकते हैं कि बॉटम में
अगर आता है कोयला तो सुरंग भी बनानी पड़ती है, अगर ऊपर ऊपर आया तो ओपन कोल माइनिंग से पहले ऊपर मिट्टी हटाते हैं, मिट्टी हटाने के बाद नीचे कोयला मिल जाता है। अब कोयला बनता कैसे है, बहुत सदियों पहले बहुत सारे जंगल्स हुए, ये जानवर हो गए और धरती हिली, धरती हिलने के बाद वो ज़मीन में दफन हो गए, ज़मीन में दब गए, तो हज़ारों साल के बाद, यानी कि 10-20 साल में आपको कोयला बन जाएगा, हज़ारों साल लाखों साल दबे रहे तो टेम्परेचर प्रेशर्स के वजह से जो बायोमास थे पेड़ पौधों में वो कोयला में चेंज हो गया। कोयले में काम करने के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का बहुत बड़ा दिक्कत होता है। आम आदमी को इस एरिया में घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि लोगों को नहीं पता रहता कि माइनिंग में कैसे जाना है, कहाँ जाना है, खतरा हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि धस जाती है धरती या ऐसे जगह स्लाइड करके गिर जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता है। और कोयला पहले दिन में निकाला जाता था लेकिन आजकल हर जगह 24 घंटे इंडस्ट्री काम कर रहा है। अब क्या होता है कि रात को भी लाइट जला के कोयला निकाला जाता है क्योंकि देश में बिजली आपको रातों भर चाहिए, तो रात भर कोयला निकाला जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोयला से बिजली बनाई जाती है। और देश में जो कोयला है वो रीढ़ की हड्डी है, इंसान जब ही खड़ा हो सकता है जब रीढ़ की हड्डी अच्छी हो, जिसको बोलते हैं बैकबोन, उसी तरह कोयला जो है अपने देश का वो बैकबोन है। बिना कोयला के अपना देश में कुछ भी संभव नहीं हो सकता है क्योंकि 50% से ज़्यादा जो इक्विपमेंट रनिंग है, इंडस्ट्री रनिंग है, वो कोयला के वजह से ही है। चाहे स्टील प्लांट हो या आपको और भी प्लांट हो, हर प्लांट्स जो है बिजली से चलनी है और बिजली 60-70% कोयला से ही बनती है। और आने वाले 30 सालों में कोयला का ही बोलबाला होने वाला है। बहुत सारे हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि कोयला ख़त्म हो जाएगा, पॉल्यूशंस बढ़ रहा है, पेड़ लगाया जाए, कोल माइंस रोक दिया जाए, लेकिन वो कहने वाली बात है। अभी भी पुराने ज़माने से लेकर अभी तक देखें कोयला मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है और देश में विदेशों में भी कोयले पे बहुत ज़्यादा आश्रित है पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री। तो कोयला के सीधे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो इसलिए इसको रोक दिया जाए, क्योंकि अल्टरनेट जब फ्यूल्स बन जाएगा मार्केट में तब जाके कोयला का रिप्लेसमेंट किया जाएगा। यानी आने वाले 30 सालों में कोयला का बोलबाला होने वाला है और कोयले से ही आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री, ट्रेन, अब मान लीजिए कोयला से बिजली नहीं बनेगा तो जो बिजली से ट्रेन चल रही है वो कैसे चलेगी, जो जहाँ ट्रेन है वहीं रुक जाएगी। ये स्प्रिंकल देख सकते हैं, डस्ट ना उड़े इसलिए इसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है कि इसे पानी का छिड़काव हो सके, क्योंकि सिर्फ हमें अपना इंडस्ट्री नहीं देखना है, अपना इन्वायरमेंट भी देखना है, जिससे क्या होगा कि आसपास लोगों में कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी ना हो, जो लंग्स है, क्योंकि इसमें अगर धूल जाते हैं, कोयला जाएगा तो लंग्स चोक हो सकता है, आदमी के मौत हो सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी अच्छी रहे और इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहे, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। तो कोल के लिए स्पेशलाइज आपको कोर्स होता है, बीटेक होता है माइनिंग के लिए, स्पेशल कोर्स होते हैं माइनिंग के लिए। घर बैठे आपको मैंने कोशिश किया है कि आपको माइनिंग के A to Z बताने की कोशिश करूँ। माइनिंग वो होता है जो चीज़ खोद के निकाला जाता है ज़मीन से, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है, हीरा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, इवन जो यूरेनियम है जिससे एटम बम बनता है। तो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा खजाना है, तेल हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ज़मीन के खोद के निकालने की जो प्रक्रिया है इसको माइनिंग बोला जाता है। ये जो जैसे खोद के ऊपर ऊपर जो चीज़ें निकाली जाती है उसको ओपन माइनिंग यानी ऊपर से खुला हुआ माइनिंग बोलते हैं। और जो डीप एकदम ड्रिलिंग करके ज़मीन के अंदर में, जैसे बहुत जगह तेल जो निकलते हैं बॉम्बे हाई में, समुद्र में छेद के अंदर से तेल निकलता है, तो उसको डीप माइनिंग बोलती है। तो ज़्यादातर देखेंगे डीप माइनिंग कम किया जाता है, ज़्यादातर तो ओपन माइनिंग होता है, झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है, कुछ पोर्शन जो है वो बिहार के भी है, कुछ पोर्शन जो है आपके यूपी के भी है, ज़्यादातर झारखंड में और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कोल निकलता है, आंध्र प्रदेश में भी कोल निकलता है। कोल मतलब कोयला, हिंदी में कोयला बोलते हैं और इंग्लिश में कोल बोले जाते हैं। तो घर बैठे आपने माइनिंग देख लिया, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी।